अगर आप एक अच्छी टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, तो आपको 2023 में और कुछ नहीं करना सिवाय इस वीडियो को देखने के, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारी वॉशिंग मशीन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद आपको ये बताने वाला हूं कि बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन कौन सी है। कैसे बताऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं एक ट्रू व्यू कंपैरिजन ऑफ बेस्ट वॉशिंग मशीन्स। आप मेरे पीछे रखी हुई दो वॉशिंग मशीन्स देख रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों वॉशिंग मशीन्स को, और जो आप इस समय स्टूडियो में नहीं देख रहे हैं उन वॉशिंग मशीन्स को भी मैंने खुद खरीदा है। किसी ब्रांड ने मुझे फ्री में ये प्रोडक्ट्स नहीं दिए कि लो भाई रिव्यू कर दो और इसे बहुत बढ़िया बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। वी बाय ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी रिव्यू और इनको कंपेयर करने के बाद मैं आपको ये कंपैरिजन वीडियो दिखा रहा हूं। एक और चीज जान लीजिए कि मैंने किसी ब्रांड से पैसे भी नहीं लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, आपको ये एक फेयर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी ही रहती है कि मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को यूज करके अगर आप परचेज करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो इस चैनल की बहुत थोड़ी 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 मदद होगी। उसे जोड़ जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ताकि आपको ये बता सके कि इतनी सारी ऑप्शंस में से बेस्ट वॉशिंग मशीन कौन सी है और आप फायदे में रहें। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है इन वॉशिंग मशीन्स को खरीदने से पहले, उन्हें जरा ध्यान से सुनिए। आप में से कई लोगों का एक ही सवाल होता है कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन बेटर है या फ्रंट लोड। एक सीधा सरल जवाब आपको देता हूं, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा बेटर होती है, उसकी वॉश क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उसमें पानी और बिजली की कंजम्पशन कम होती है और कपड़ों की लाइफ उसमें ज्यादा लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलेगी रेगुलर वॉशिंग पे। टॉप लोड में थोड़ी सी कम लाइफ होगी कपड़ों की, दैट इज अबाउट इट। लेकिन ये बहुत इकोनॉमिकल रेंज है, यानी आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन थोड़ी सी सस्ती कॉस्ट करेगी फ्रंट लोड के मुकाबले। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको 7 kg वॉशिंग मशीन्स के बारे में बताऊंगा, विच इज वेरी गुड फॉर अप टू 4 पीपल इन द फैमिली इंक्लूडिंग किड्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कैसे देखते हैं बिल्ड क्वालिटी? सबसे पहला, उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील ड्रम होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के ड्रम बहुत ज्यादा रिलायबल या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। एक और चीज, उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो आउटर बॉडी की बिल्ड क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका बेस कभी भी मेटल का नहीं होना चाहिए, वो हार्ड प्लास्टिक का होना चाहिए, ताकि पानी के कॉन्टैक्ट में रहने के बाद भी उस पर जंग ना लगे। और एक और चीज, आप में से कई लोगों के घरों के अंदर हार्ड वाटर आता होगा और कई मशीन्स ऐसी भी हैं जिसमें आपको हार्ड वाटर वॉश की फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन वो फैसिलिटी वॉशिंग मशीन में ही नहीं होती, वो एक अलग से फिल्टर लगाने पे आपको मशीन प्रोवाइड करती है, जो कि कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन कर सकती है। मैंने आपको एक अच्छे फिल्टर का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर उसे यूज करेंगे किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन के साथ, तो आपके हार्ड वाटर को नॉर्मल यानी सॉफ्ट वाटर करके वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी धुलाई करेगी, एंड दैट इज वेरी गुड। एक अच्छी वॉशिंग मशीन के अंदर एक अच्छा पल्सेटर लगा होता है, जो अपनी रोटेशन से इधर उधर घूम के वाटर करेंट्स पैदा करता है, जिससे झाग बनती है और आपके कपड़ों में एक तरीके की धोबी पछाड़ मिलती है, उससे डर्ट आपकी लॉन्ड्री में से निकलती है, और यही होता है एक अच्छी वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। दैट्स अबाउट इट। इसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज अलग अलग ब्रांड्स की काम करती है, एंड दे आर वेरी वेरी गुड, लेकिन ज्यादातर चीजें जो आपको मैजिक, एक्वा, पता नहीं कौन कौन से फैंसी नामों के साथ देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी, उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करिए, वो मार्केटिंग गिमिक से ज्यादा और कुछ नहीं होती। मेरे प्रोज एंड कॉन्स पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, मैं आपको उस मशीन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप एक सही वॉशिंग मशीन लेके एक सही डिसीजन भी ले पाए। अब आप कहेंगे ये काम में क्यों रहा हूं, ये मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी। मैं इसी तरह से प्रोडक्ट्स खरीद खरीद के आपको ट्रू व्यू करके दिखाता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा बेटर प्रोडक्ट है और इस केस में कौन सी बेटर वॉशिंग मशीन। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज पूरी करिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी मिलेंगे। उससे इस चैनल की बहुत हेल्प होगी बिना आपके एक रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च किए। इसी तरीके से हम कमा भी पाएंगे और आगे ग्रो करके आपको और वीडियोस भी दिखा पाएंगे। पॉइंट्स तो हो गए खत्म, अब आपको बताता हूं सीधा बेस्ट वॉशिंग मशीन जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2023 में, और नंबर 5 की पोजीशन पे मेरी लिस्ट में हुआ है टाई।
आपको बजट रेंज के अंदर अगर अच्छी वॉशिंग मशीन चाहिए तो मैं एक नहीं आपको दो बताता हूं, और इनमें से चूज आप खुद करेंगे। एक है पैनासोनिक की 7kg 5-star वॉशिंग मशीन और दूसरी है सैमसंग की 7kg 5-star वॉशिंग मशीन। दोनों के अंदर आपको 680 आरपीएम की मोटर लगी हुई मिलेगी एंड यस दैट इज अ स्पिनिंग मोटर। सैमसंग में आपको सेंटर जेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जबकि पैनासोनिक में एक्टिव फोम वॉश टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और दोनों में ही अच्छे 6 और 12 वॉश प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। ज्यादा वॉच प्रोग्राम्स दिखा के अक्सर ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, कभी भी आपने किसी भी वॉशिंग मशीन में 2 या 3 वॉच प्रोग्राम से ज्यादा कभी यूज करे हैं? इन द डेली लाइफ आप कभी भी यूज कर ही नहीं पाएंगे इससे ज्यादा वॉच प्रोग्राम्स। इसलिए आपको नंबर ऑफ वॉच प्रोग्राम्स नहीं, उसके एक्चुअल फीचर्स जिन्हें आप यूज कर पाएंगे उस पर ध्यान देना है। दोनों ही वॉशिंग मशीन्स के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील टब देखने को मिलेगा, लेकिन पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 2-3 टेक्नोलॉजीज ऐसी मिलेंगी जो बहुत अच्छी हैं। वो हैं एक्वा स्पिन रिंस और फजी कंट्रोल लॉजिक। पैनासोनिक में एक्वा स्पिन रिंस एक अच्छा फीचर है, रिंस करते समय कपड़ों के ऊपर पानी शावर की तरह आएगा जो कि अच्छे से रिंस करने में बहुत मदद करेगा, और पैनासोनिक का ऐसा क्लेम है कि 28% तक वाटर भी सेव करेगा। पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है, ये मैं आपको आगे प्रोज एंड कॉन्स में जरूर बताऊंगा। लेकिन जो फजी कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि कपड़े धुलाई करते समय कपड़े आपस में उलझेंगे नहीं, इस बात की ये टेक्नोलॉजी है, और ये इट मेक्स श्योर ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि कपड़े उलझते नहीं है एंड दैट इज वेरी गुड। दोनों ही मशीन्स में आपको एक अच्छा मैजिक फिल्टर यानी लिंट फिल्टर देखने को मिलेगा, और दोनों ही मशीन्स में आपको पैनल यानी LED डिस्प्ले ऊपर लगा हुआ मिलेगा। दोनों ही मशीन्स में आपको मेमोरी बैकअप फीचर भी देखने को मिलेगा और टब क्लीन फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसे दोनों ब्रांड्स अलग अलग नामों से बुलाते हैं। लेकिन पैनासोनिक में आपको 2 फीचर्स और मिलते हैं सैमसंग के मुकाबले, और वो भी एक्स्ट्रा। वो पहला है मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी मान लीजिए आपके घर में अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई तो आपके वॉशिंग मशीन की मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगी इस ओवरलोड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी से एंड दैट इज गुड। और दूसरा डिले स्टार्ट, मान लीजिए आपने रात को सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और आप चाहते हैं कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये शुरू हो और 1-1.5 घंटे के वॉश प्रोग्राम में ये खत्म हो जाए आपके ऑफिस जाने से पहले, दैट यू कैन डू इन दिस वॉशिंग मशीन, लेकिन आप सैमसंग में नहीं कर सकते ये दोनों चीजें। और ये रही वारंटी जो आपको इन वॉशिंग मशीन्स को खरीदने पे आज की डेट में मिलती है। सबसे पहले आपको बताता हूं सैमसंग वॉशिंग मशीन के बारे में। इस वॉशिंग मशीन को आप इस समय खरीद पाएंगे 15,800 रुपीज का, और आपको इस पे एक्स्ट्रा जो वारंटी नहीं मिलती मोटर पे, ये मेरे लिए बनता है सबसे बड़ा कॉन इस वॉशिंग मशीन का। लास्ट ईयर तक आपको इस पे एक्स्ट्रा मोटर पे वारंटी मिलती थी, लेकिन इस साल 2023 पे नहीं मिलती, और इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। पिछले साल यही वॉशिंग मशीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इस साल ये 15,800 रुपये की कॉस्ट करती है। नाउ ये वॉशिंग मशीन अच्छी है, इसके प्रोज की अगर बात करें देन इट हैज़ वेरी वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। आपको इसमें सारे एसेंशियल फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसके नॉइज लेवल्स कम हैं, एवरीथिंग इज गुड। वाटर कंजम्पशन भी ओके है, नॉट वेरी गुड बट हाँ नॉइज लेवल्स कम है। द मशीन इज अदरवाइज वेरी वेरी गुड। एक ही छोटा सा कॉन मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कि मोटर पे एक्स्ट्रा वारंटी होनी चाहिए थी। बट 15,800 रुपये अगर आपका बजट है तो आपको क्या करना है, एक सेकंड और रुकिए, पैनासोनिक के प्रोज एंड कॉन्स भी सुनिए, उसके बाद खुद डिसाइड करिए। पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन आपको 15,500 रुपीज कॉस्ट करेगी, यानी 300 रुपए कम सैमसंग से, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि इसके अंदर आपको वारंटी में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको 10 ईयर्स की मोटर पे वारंटी मिलेगी 2 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के अलावा। दैट इज वेरी वेरी गुड। अब आपको बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स। मेरे हिसाब से इस वॉशिंग मशीन का सिर्फ एक ही कॉन है सैमसंग के मुकाबले, ये थोड़ी सी ज़्यादा वाटर कंजम्पशन है इस वॉशिंग मशीन की। वो जो 28% वाला इनका क्लेम था वो मुझे कहीं पूरा होता हुआ दिखा नहीं, पता नहीं शायद मुझे नहीं दिखा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल दिए गए हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आपको जनरली देखने को नहीं मिलते। आई थिंक ये एक बेटर वॉशिंग मशीन है सैमसंग के मुकाबले जो मैंने आपको अभी दिखाई।
Now choice is completely yours. मैंने दोनों वॉशिंग मशीन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी दिए हैं. आप क्या वेट कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन लिंक्स को जरूर चेक करना. बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नेक्स्ट है IFB की 7KG 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 720 RPM की स्पिनिंग मोटर मिलेगी एंड दैट इज वेरी पावरफुल. ये वॉशिंग मशीन 3D वॉश टेक्नोलॉजी के साथ आती है और इसके अंदर आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे विद अ स्टेनलेस स्टील टब, जिसे IFB कहता है क्रेसेंट मून ड्रम. क्रेसेंट मून डिजाइन का मतलब ये है कि आधे मून की डिजाइन का जब आपको स्टेनलेस स्टील टब मिलता है, उसकी मदद से आपकी लॉन्ड्री को बहुत ज्यादा स्क्रबिंग मिलती है और एक और चीज से बहुत ज्यादा हेल्प होती है और वो है ट्रायडिक पल्सेटर, जो आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा. उसकी मदद से आप जरा ध्यान से देखें इस फोटो को, इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्क्रब पैड्स नजर आ रहे होंगे. उसकी मदद से भी स्क्रब होगा लॉन्ड्री के ऊपर और उसमें से तेज पानी की बौछार भी निकलेगी जो लॉन्ड्री में से डर्ट को पूरी तरह से रिमूव करेगी एंड दैट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस वॉशिंग मशीन. एक और बहुत शानदार फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है, विच इज एक्वा एनर्जी. मैंने गिमिक्स के बारे में बताते हुए आपको ये बोला था कि एक्वा नाम की टेक्नोलॉजी को जरा मार्केटिंग गिमिक ही समझिए, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को नहीं, क्योंकि एक्वा एनर्जी वाकई बहुत शानदार चीज है. ये पानी और डिटर्जेंट को बहुत इवनली मिक्स करती है, जिससे झाग बहुत अच्छी बनती है और वो झाग लॉन्ड्री में से डर्ट को बहुत शानदार तरीके से निकालेगी. ये तो आपको भी समझ में आ गया एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड थिंग. एक और बहुत शानदार चीज है इस वॉशिंग मशीन में और वो है लो वाटर प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से कम पानी का प्रेशर होते हुए भी वॉशिंग मशीन के टब में पानी जल्दी भरेगा. और ये उन लोगों के लिए बहुत शानदार चीज है जिनके घरों में पानी का प्रेशर बहुत कम होता है. बहुत अच्छी चीज है ये. इसके अलावा आपको मशीन में मेमोरी बैकअप मिलेगा, ऑटो इम्बैलेंस करेक्शन सिस्टम मिलेगा. इस बड़े नाम पे मत जाइए, आपको एक नॉर्मल बैलेंसिंग सिस्टम मिलता है जो हर वॉशिंग मशीन में मिलता है. LED डिस्प्ले मिलेगा और हाई वोल्टेज से ये मशीन प्रोटेक्शन के साथ आती है, विच इज गुड. ये मशीन 126 लीटर वाटर पर वॉश प्रोग्राम यूज करेगी और IFB आपको देता है 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन दी मोटर. और इसके अलावा आपको 10 इयर्स की स्पेयर पार्ट सपोर्ट भी मिलती है IFB की तरफ से इस वॉशिंग मशीन को खरीदने के बाद. मतलब आप खरीदेंगे कितने में? 19,000 रुपीज इसका आज का प्राइस है. इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट के अंदर भी. जल्दी जाइए इसे चेक करिए, लेकिन पहले प्रोज एंड कॉन्स सुनिए, क्योंकि आपको वो जानने बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज एन एक्सेलेंट वॉशिंग मशीन, बट ये एक छोटी सी कमी के साथ आती है. इसके अंदर एक फीचर मैंने आपको बताया नहीं, वो ये है स्मार्ट सेंस वॉश. इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ड्री मशीन में डाली, मशीन खुद डिसाइड करेगी भाई वो कौन सी लॉन्ड्री है, कितने केजी की है, कितना पानी चाहिए, कितना डिटर्जेंट चाहिए. लेकिन ये फीचर आपको ऑलमोस्ट सभी टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में देखने को मिलता है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस फीचर को इस वॉशिंग मशीन को लेने के बाद यूज ना करें और खुद वॉश प्रोग्राम डिसाइड करें. दैट विल बी मच बेटर फॉर योर लॉन्ड्री और आपको वॉश ज्यादा अच्छी मिलेगी. क्योंकि अप्रोच भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी वॉशिंग आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ ट्रायडिक पल्सेटर, जो बनता है मेरा सबसे पहला प्रो. ये एक बहुत शानदार चीज है. आपको ये अलग टाइप की स्क्रबिंग देखने को मिलेगी, जिससे लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा क्लीन होगी एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड गुड फीचर जो आपको इस मशीन में मिलता है. टू एड ऑन टू दैट, आपको बहुत अच्छी वारंटी भी मिलती है. आपको 10 ईयर्स की स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलती है, 4 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है. वॉट एल्स डू यू नीड इन अ वॉशिंग मशीन? ये बहुत अच्छा वारंटी पैकेज है मेरे हिसाब से. एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड. इसकी वाटर कंजम्पशन भी कम है. What else do you need in this kind of washing machine? इसका प्राइस आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 19,000 रुपीज, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि किस टाइप के फीचर्स के साथ ये मशीन आती है और किस टाइप के वारंटी पैकेज, यानी कितना कॉन्फिडेंस आपको देती है. Now, go to the description box. 19,000 is the price. Links are in the description box. What are you waiting for? Best washing machine in India 2023 की मेरी लिस्ट में number 2 की पोजीशन पे हुआ है टाई और दो वॉशिंग मशीन, दोनों कोरियन भाइयों की, भाई को भाई बहन को, LG और सैमसंग.
दोनों 7kg 5-star वॉशिंग मशीन हैं और दोनों के अंदर आपको 700 RPM की स्पिनिंग मोटर देखने को मिलेगी एंड दे आर गुड। सैमसंग में आपको डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और LG के अंदर स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन बेसिकली दोनों ही अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं और इनकी मोटर अच्छा काम करती है। बट LG की मोटर BMC प्रोटेक्शन के साथ आती है। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो BMC मतलब एक प्लास्टिक का कवर जो मोटर के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से मोटर हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है और नॉइज लेवल्स मशीन के कम हो जाते हैं। क्या ये एक्चुअली में होते हैं? हाँ, इस मशीन में हमने देखा ये एक्चुअली में होते हैं और ये बहुत कारगर टेक्नोलॉजी है। सैमसंग में 9 और LG में 8 वॉश प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और दोनों में स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलेगा, लेकिन सैमसंग में आपको इको बबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो ऑब्वियसली आपको LG में देखने को नहीं मिलेगी। अब ये इको बबल क्या है? डिटर्जेंट डालने वाली जगह से ही पानी जब वहां पे आएगा तो बबल्स क्रिएट करने शुरू करेगा और उन छोटे छोटे बबल्स के अंदर वो डिटर्जेंट की एक एक पार्टिकल को ले जाके जल्दी से पेनिट्रेट करेगा लॉन्ड्री के अंदर, और सैमसंग का ऐसा मानना है 20% मोर पेनिट्रेशन। नाउ आई कांट मेजर दैट, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता तो है। उसके बाद सेकंड चीज जो काम करती है वो है डुअल स्ट्रॉम टेक्नोलॉजी। नाउ ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। डुअल स्ट्रॉम क्या है? जो पल्सेटर की प्रॉपर एक मूवमेंट है उसकी वजह से जो स्क्रबिंग मिलेगी लॉन्ड्री को, वो एक टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है। आई डोंट थिंक सो यार, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया सैमसंग? दोनों के अंदर आपको एक अच्छा लिंट फिल्टर मिलता है और दोनों ही मशीन में आपको टब क्लीनिंग यानी ऑटो टब क्लीनिंग फीचर भी देखने को मिलेगा। ये दोनों मशीन्स ऑटो रीस्टार्ट यानी मेमोरी रिस्टोर फंक्शन के साथ आती हैं और LG की वॉशिंग मशीन में पर्टिकुलरली आपको स्मार्ट डायग्नोसिस देखने को मिलेगी विद LG ThinkU ऐप, लेकिन सैमसंग में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। पर सैमसंग में आपको मिलेगा स्मार्ट चेक, यानी अगर वॉशिंग मशीन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई तो वो एरर कोड उस वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पे शो करने लग जाएगा, जिसे पढ़ के आप टेक्नीशियन को कॉल करके ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और अपनी वॉशिंग मशीन को जल्दी रिपेयर करा सकते हैं। एक और चीज सैमसंग की वॉशिंग मशीन में है लेकिन LG में नहीं, और वो है, एंड आई विश कि वो LG में होती, वो है सॉफ्ट क्लोजिंग लिड। ये सैमसंग में है, LG में नहीं। That's a bad thing. ये रही दोनों वॉशिंग मशीन्स की वाटर कंजम्पशन और दोनों ही वॉशिंग मशीन्स की वारंटी जो आपको इन्हें खरीदने पे मिलती है। दोनों ही वॉशिंग मशीन का प्राइस बिल्कुल आइडेंटिकल है इस समय, यानी 17,500 रुपीज। आप चाहे दोनों में से कोई भी वॉशिंग मशीन ले लें, लेकिन इनकी वारंटी पैकेजेस के अंदर जो बदलाव आया है वो सिर्फ सैमसंग में आया है। सैमसंग ने रिसेंटली 2023 में, रादर December 1st 2022 के बाद से सारी वॉशिंग मशीन्स जिनमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई है उनमें 20 ईयर्स की मोटर पर वारंटी कर दी है। अनफॉर्चुनेटली ये किसी और ब्रांड ने नहीं करी, लेकिन 20 साल तक आप वॉशिंग मशीन चलाएंगे? आई रियली डाउट। आपको देखना चाहिए इनके प्रोज एंड कॉन्स और समझना चाहिए कि आपकी नीड्स के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी है। दोनों 17,500 रुपीस की कॉस्ट करती हैं। दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट 2023 के अंदर भी दिए हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स बता दूँ क्या? बता देता हूँ। दोनों के अंदर एक ही कॉन है जो मुझे लगा कि बाकी और मशीन्स के मुकाबले इनकी वाटर कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है। LG की 5 लीटर और ज़्यादा है, बट वो 5 लीटर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों की ओवरऑल 10-15 लीटर ज़्यादा वाटर कंजम्पशन है। LG की जो BMC प्रोटेक्शन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रो बनती है, बट इससे निकलने वाला प्रो एक और भी होना चाहिए था कि इसमें जो नॉइज लेवल्स हैं वो बहुत कम हो जाने चाहिए थे। वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, दे आर लेस, बट ये दोनों में कम है। मतलब सैमसंग में भी आपको 60 डेसिबल्स के जो नॉइज लेवल्स देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। ये बहुत कम आवाज़ करने वाली मशीन्स हैं दोनों ही। दोनों अच्छी मशीन्स हैं, दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोनों में थोड़ी मार्केटिंग गिमिक्स भी यूज़ करी गई हैं, दोनों LG में भी और सैमसंग में भी। उन्हें अगर आप पूरी तरह इग्नोर करें तो जो आपको ज़्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन लगती है वो आप खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं दोनों को एक ही पोजीशन पे रेट करता हूँ, दे आर इक्वली गुड वॉशिंग मशीन्स। आपकी अगर कन्फ्यूजन दूर हुई हो और आपने अगर डिसाइड कर लिया हो कि आपको LG मशीन लेनी है या फिर सैमसंग, तो जाइए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाली वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की 7.5kg 5-star मशीन, जिसके अंदर आपको 740 RPM की स्पिनिंग मोटर मिलती है। आपने ध्यान से सुना,
इट इज 7.5 kg। और एक और चीज और बताऊं, इसमें आपको बिल्ट इन हीटर भी लगा हुआ मिलता है। इस मशीन में आपको सिक्स सेंस स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है विद 12 वॉश प्रोग्राम्स एंड स्टेनलेस स्टील टब। 6 अलग अलग टाइप के सेंसर्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए अपने आप डिसाइड करते हैं कि वो लॉन्ड्री कैसी है, उसका क्या वेट है, उसे कितना डिटर्जेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, और इसके हिसाब से आप अगर चाहें तो वैसा वॉशिंग प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वॉश भी कर देगी ये लॉन्ड्री को। नाउ दिस इज अ वेरी स्मार्ट थिंग, आप चाहें तो ये हो सकता है, नहीं चाहें खुद वॉश प्रोग्राम चाहें चूज करना तो वो भी हो सकता है, बट हैविंग दिस फीचर इन द वॉशिंग मशीन इज गुड। इसके अलावा आपको ZPF यानी जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, और इसका बहुत सीधा मतलब ये है कि अगर आपके घर में पानी का प्रेशर बहुत कम भी है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आधी मशीन पानी से बहुत जल्दी भर जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा धीरे भरेगी, लेकिन आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रेशर पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन बिल्ट इन हीटर के साथ आती है तो इसमें आपको 3 हॉट वाटर वॉश के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, एक अच्छे साइज का मैजिक लिंट फिल्टर भी मिलेगा, और स्पायरो वॉश टेक्नोलॉजी के साथ ये वॉशिंग मशीन आती है। एक यूनिक तरीके से पल्सेटर घूमता है और पल्सेटर के ऊपर लगे हुए ये 4 स्क्रब पैड्स को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसके अंदर से पानी निकलता है और ये बहुत अलग तरीके से कपड़ों को घुमा के उनमें से डर्ट को निकालती है, और लॉन्ड्री में से डर्ट निकल जाए तो ये इससे बड़ी और अच्छी चीज क्या होती है। इस मशीन में आपको एक्सप्रेस वॉश और हार्ड वाटर वॉश जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, बट हार्ड वाटर वॉश के बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको वो फीचर एक अलग से सॉफ्टनर लगाने के बाद ही मिलता है, और वो सॉफ्टनर आपको इंस्टॉलेशन टीम अलग से बेचेगी, उसकी कॉस्ट वो आपसे अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 रुपीस चार्ज करेंगे, लेकिन मेरी सलाह मानिए, आप अलग से खुद ही खरीद लीजिए वाटर सॉफ्टनर, आपको वो 1000 रुपए के आसपास मिलेगा, और मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, क्या वेट कर रहे हैं, वहीं से ले लेना, कोई भी मशीन हो उसमें आप लगा लीजिए। आपके घर में अगर हार्ड वाटर आता है वो सॉफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आपकी मशीन में आपको वो लॉन्ड्री पे वाइट स्टेन्स है ना वो नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स गुड। इस मशीन में आपको ऑटो टब क्लीन जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा और डीले वॉश जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा, एंड ऑब्वियसली इसका कंट्रोल पैनल जो ऊपर की साइड पे है उसमें आपको सारे फीचर्स के अलग अलग बटन्स देखने को मिलेंगे, विच इज गुड। और पीछे आपको ये प्लास्टिक का रैट मैश भी देखने को मिलेगा। ये मशीन 130 लीटर के आसपास वाटर यूज करेगी पर वॉश प्रोग्राम, और इसे खरीदने पे आपको वर्लपूल देगा 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर। मेरे हिसाब से ये बेस्ट वॉशिंग मशीन है और आप इसे इस समय खरीद सकते हैं 18,250 रुपीस के आसपास का। ये प्राइस भी मेरे हिसाब से बिल्कुल फेयर है क्योंकि इसके अंदर आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है। मैंने जितनी भी मशीन्स आपको बताई वो 7 kg मशीन्स थी, लेकिन ये 7.5 kg है, और जितनी भी मशीन्स मैंने आपको बताई किसी में भी बिल्ट इन हीटर नहीं था, लेकिन इसमें आपको वो मिलता है। सो 18,250 रुपीज अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड प्राइस ऑफ दिस मशीन। आपको अगर विदाउट हीटर ये मशीन लेनी है तो ये लगभग 1000 रुपए सस्ती मिलेगी, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे जरूर देखने को मिलेगी, अमेजोन पे भी मिलेगी, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्लिपकार्ट पे विदाउट हीटर की मशीन अवेलेबल है और वो 1000 रुपीस कम में अवेलेबल है, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप उस मशीन को लेते हैं तो आपको मोटर पे सिर्फ 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, 10 ईयर्स की नहीं, जो कि आपको इस मॉडल पे मिल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको एक कॉन बताता हूं इस मशीन का, आई विश कि वर्लपूल ने इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग लिड दी होती तो ये बिल्कुल सर्वगुण संपन्न परफेक्ट वॉशिंग मशीन बन जाती और मैं इसे एक ताज बनाया, नहीं ताज नहीं बनाता, मतलब अच्छी मशीन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था फीचर जो इसमें मिसिंग है। अदरवाइज अगर आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी फीचर नहीं लग रहा तो इस मशीन से अच्छी और कोई मशीन नहीं होगी, आपको इसमें हर टाइप का फीचर मिलता है। दिस इज अ वेरी गुड स्टर्डी वॉशिंग मशीन। वाटर कंजम्पशन इसकी बिल्कुल ऑप्टिमम है, आपको इसके अंदर नॉइज लेवल्स भी बहुत नॉर्मल मिलेंगे, बहुत एवरेज है, इसमें कोई हैंकी पैंकी बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है बिकॉज आई थिंक इट इज द बेस्ट वॉशिंग मशीन। आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये मशीन, और हाँ याद रखिएगा,
लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं सारी वॉशिंग मशीन्स के, इंक्लूडिंग दिस वन वर्लपूल वॉशिंग मशीन। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी, वहीं पे लिंक्स मिलेंगे आपको इन वॉशिंग मशीन्स के। ये थी मेरी रैंकिंग 7kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स की। और अगर आप इससे कम या ज्यादा साइज की वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो कौन सा मॉडल लेना चाहिए, बहुत सिंपल है जानना। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें चेक करनी है VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट। उसमें जो मॉडल्स मैंने इंक्लूड किए हैं उन्हें मैंने खुद चेक करा है और कुछ कुछ मॉडल्स को यूज करा है, उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो मॉडल अच्छे हैं, उसमें फालतू की मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है बल्कि यूजफुल फीचर्स हैं, उन्हें लेके आप कोई गलती नहीं करेंगे। आप उस लिस्ट को जरूर चेक करिएगा, डाउनलोड करिएगा अपने फोन में और प्लीज मेरे लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा। इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होती है। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।